ये तकरीबन 6-7 फीट तक भी भाई बहुत अच्छी हवा फेंक रहा था, तो मैंने इसको इसी वजह से जो है वो मैंने सेलेक्ट किया था, और यही वजह है भाई इसको कामयाब ना बनाने की। बड़ी अजीब बात है कि जो सबसे अच्छी चीज़ है वही इसको कामयाब ना बनाने की वजह बन गई। वो कैसे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एक दफ़ा फिर वाटरप्रूफिंग के साथ जो है वो ब्लॉग का स्टार्ट कर रही है, मतलब ब्लॉग में काफ़ी दफ़ा भी वाटरप्रूफिंग मैंने दिखा दी है, और समझ लें एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। अभी रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया था हमने डामर का, तो वो डामर का जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ी उस पर भी तफसील से बात करेंगे। और अभी भाई ऊपर काम चल रहा है मास्टर गेज के रूप में, और डामर को हटाया जा रहा है। अब क्यों हटाया जा रहा है, क्या वजह हुई, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ भाई, ये देखें, ये है डामर। भाई मुर्गे जो है बहुत शोर कर रहे हैं, मुझे बात नहीं करने दे रहे। असल में मैं कहता था कि ये प्लाईओ का जो जॉइंट था ना, इस पर हमने डामर डाला था, जहाँ पे लगाया था वहाँ पे लगाया था, और पीछे जो दीवार के साथ प्लाई मिली हुई है ना, वहाँ पे लगाया था। अब 2-3 दफ़ा भाई इसके लीकेज हुई है, टेस्टिंग करिए दोबारा। मुर्गे बहुत शोर बोलने नहीं दे रहे, क्या हो गया, कितना शोर मचाया मैं। वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रहे हैं, थोड़ा वेट करता हूँ। असल में ये ऊपर छत पे काम हो रहा है ना, तो ये इससे मुर्गे शोर मचा रहे हैं। बहरहाल अभी जो है वो मैंने बोला कि भाई सबको उखेड़ दो, तो ये अभी सारा उखेड़ा जा रहा है, और अब नया जो है ना सिस्टम हम इसमें अप्लाई करेंगे। और जो पहले हमने रूफ पे किया था ना, तो मटेरियल लगाया था रूफ पे हमने, मैं अंदर चल के बात कर लेता हूँ, इनका शोर बहुत आ रहा है। चलो भाई मैं आ गया हूँ दूसरी गैलरी में। असल में बात ये मुर्गे हो गए बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से बेइंतहा शोर करते हैं वो, और ज़रा सी भी कुछ खटपट होती है ना, सारे मुर्गे शोर पे जाना शुरू कर देते। तो बेसिकली मैं बात ये कर रहा था कि अब दूसरे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, जो मैंने लास्ट ईयर छत पे किया था। वो असल में मैं वही लेने के लिए गया था पहले, लास्ट टाइम भाई वो मिला नहीं था मुझे, क्योंकि मैं दूसरा कोई लेना चाह नहीं रहा था, क्योंकि उसको मैंने टेस्ट किया हुआ था उस मटेरियल को। तो अभी भाई वो दोबारा आ गया, जिस शॉप पे मैं पहले लेने के लिए गया था उनके पास दोबारा आ गया, उसका रिजल्ट अच्छा था। तो अब मैं सारा ये डामर उखड़वा के वो वाला अप्लाई करवाता हूँ, और उसको फिर टेस्टिंग करेंगे। वो शायद सूखने में टाइम लगता है, पूरा दिन लगता है। और अभी भाई ज़रा मौसम आप दोस्तों को दिखाया, अभी मौसम भाई माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हो रहा है। देखें भाई फुल बादल आसमान पे जैम पैक हो रहे, हवा नहीं है, थोड़ा सा हफ्स का सा एहसास है। बाकी भाई कल की अपडेट ये है कि अभी कल यहाँ से मैंने 3 मुर्गियाँ यहाँ से निकाली थी, और एक मुर्गी जो है वो मेरी जो वहाँ पे थी अलग, जो बिल्कुल चल रही थी ना, उसको भी मैंने 4 मुर्गियों को भाई मैंने कल ज़िबा करवा दिया था। असल में बड़े भी हो गए थे, फिर मैंने कहा चलो मीट पर्पज़ के लिए भी अब ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने कुछ मुर्गियों को हलाल कर दिया, तो 4 मुर्गियाँ भाई इसमें से हलाल हो गई थी। बाकी अभी थोड़ी सी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर कर दे, काफ़ी दिन हो गए मुर्गियों की अपडेट शेयर नहीं करी। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि इनका दाना मैंने चेंज कर दिया, यानी कि फीड से इनको दाने पे लिया है, और सुबह मैंने ऐड किया था, मगर अभी भी मुझे इसमें कुछ कुछ दाना नज़र आ रहा है। ये इतने शौक से खा नहीं रहे हैं, पानी आज मैंने इनका लहसुन का ऐड किया था। और फीड पे बेसिकली ऐसे होते थे कि फीड तो है डाली और ख़त्म वहाँ से ना, मगर दाने पर ज़रा स्लो है ये। बाकी भाई यहाँ से जो है वो 3 जो है मुर्गियाँ निकाली थी, और यहाँ देखे सुबह मैंने दाना डाला है वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। क्या हो गया भाई, दाना नहीं खा रही क्या? तो मुझे लग रहा है अब ये इनको दोबारा फीड पे लेके आना पड़ेगा। और ये सारे ब्रामा वाले रह गए, इसमें ब्रामा के बफ के और ये जो केला इसका अभी तक पता नहीं चला कौन सा है। तो भाई माशाल्लाह से हमारे जो फैंसी केज के जो चूज़े हैं माशाल्लाह सारे हेल्दी एंड एक्टिव हैं, और जो यहाँ पे चूज़े हैं भाई इनको भी देख लेते एक दफ़ा, ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए। इसमें 2 RIR के हैं, 2 ब्रामा क्रॉस के हैं, और एक हीरा का है। तो माशाल्लाह ये भी भाई काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, मुर्गों की ग्रोथ बहुत अच्छी है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना डार्क ब्राउन कलर के हैं, तो प्योर RIR में होता है, येलो लेग में माशाल्लाह। बाकी भाई इसी तरफ आ गए दोबारा, अब जरा इनका शोर शराबा ज़रा कम हुआ है। और भाई ये जो मुर्गा है ना RIR 1 का, ये बड़ा हमला करता है। इसका सीन ये है कि भाई अभी 2-3 दिन पहले जब मैं पानी डाल रहा था, अच्छा पानी दाना पानी आजकल मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि अब रियाज ने जो है वो छोड़ दिया है काम, तो फिलहाल अभी मैं ही कर रहा हूँ। तो अभी जो है वो मैं तो कुछ दिन पहले इनको पानी डालने के लिए बर्तन मैंने उठाया, तो ये ऐसा भागता हुआ आया था, बिल्कुल मेरे ऊपर ऐसे हमला सा करा ना अटैक, तो ऐसे ही बर्तन मेरे हाथ से हिला पूरा पानी मेरे ऊपर। तो ये भाई बड़ा एग्रेसिव मुर्गा है ये, और इसे ज़रा बच के रहना पड़ता है। बाकी इनकी अपडेट ये माशाल्लाह से सेट है, दाना ये भी भाई कम खा रहे हैं। अच्छा दाने में ये है कि सब कुछ खा लेते हैं, इसे बाजरा छोड़ देते हैं। अभी तो खैर इसमें और भी दाना पड़ा है, मैंने सुबह ऐड किया था, बड़ी ये कि जब ये ख़त्म होता है ना, तो इसमें आखिर में बाजरा बचा हुआ होता है। और ये वाले जो है हमारे बड़ा वाला फ्लॉक, इन्होंने अंडे देना बहुत कम कर दिए हैं। अभी बीच में तो ऐसे हो गया था कि रोज़ 6-7 अंडे आ रहे थे माशाल्लाह से, अब पता नहीं इनको क्या हो गया कि अंडे नहीं दे रही। हो सकता है फीड का इम्पैक्ट हो, क्योंकि फीड से भी होता है, उसमें ऐसे इन्ग्रीडियंट्स होते हैं इससे जो है एग प्रोडक्शन बढ़े, तो ये वजह भी हो सकती है, और बाकी गर्मी का भी रीज़न हो सकता है। और ये हमारे मुर्गे हैं भाई, इस मुर्गे का साइज़ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, और फीड इनकी भी भाई मौजूद है। अंडा इन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है कहीं, वो वहाँ पे अंडा दिया हुआ है,
नजर नहीं आ रहा भी खराब हो रहा सामने। इसके अलावा दोस्तों इतने हैवी मौसम में यानी इतने हैवी बादलों में हम देखें भाई सोलर हमारी क्या अपडेट दे रहा है, सोलर हमारी क्या अपडेट दे रहा है। पैनल ए जो है वो दे रहा है 64 वाट, सिर्फ 64 वाट दे रहा है, 550 वाट का पैनल है। और पैनल बी जो है वो सिर्फ 37 वाट और ये 570 वाट का पैनल है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना होने के बराबर जो है पावर जनरेशन हो रही है। और इस वक्त भाई बिजली को बड़ा एहतियात से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने यही कहा है घर वालों को भी एक्स्ट्रा लाइटें पंखे जो है बिल्कुल बंद रखना। वैसे भी हम एक्स्ट्रा लाइटें पंखों का ख्याल ही करते हैं, बंद रखते हैं, बट अब तो ज़्यादा सख्ती से मैंने बोल दिया है कि भाई अब सोलर जो है वो डाउन चल रहा है। अब जाहिर सी बात है ये जो मानसून का मौसम होता है इसमें तकरीबन जुलाई अगस्त जो है ना कम्प्लीटली ऐसा ही होता है, बादलों में ही पूरा महीना गुजरता है। तो इस हवाले से सोलर की प्रोडक्शन कम ही होती है। तो अभी तो काफ़ी जो है वो गहरे बादल है तो इस हवाले से पावर प्रोडक्शन भी काफ़ी कम है। अगर थोड़ी सी इसमें से लाइट होती है ना बादल, जैसे अगर हल्के बादल होते हैं तो फिर ये तकरीबन 100-150 वाट बना रहा होता है एक पैनल। इस टाइम पर तकरीबन अभी जैसे 11:30 हो रहे हैं तो ये पोजीशन है भाई सोलर की। बाकी भाई मैं अभी वो लेके आता हूँ मटेरियल वाटर प्रूफिंग वाला, उसके बाद काम शुरू करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों डामर तो हमने खेड़ दिया था सारा, उसके बाद भाई वाटर प्रूफिंग वाली कोटिंग भी कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली ये ज्वाइंट नहीं होना बड़ा मुश्किल से हुआ है। इसके नीचे जो भाई लकड़ी की पट्टी भी लगाई है, सपोर्ट सही नहीं थी, ये पिलाइया आगे पीछे होती थी यानी कि ऊपर नीचे होती थी ये पिलाइया, तो उसके नीचे भी पट्टी लगाई है वो भी अभी नीचे चल के दिखाता हूँ। और ये है बेसिकली अब वो जो हमने वाटर प्रूफिंग वाली कोटिंग करी है तीनों पे, और ये साइड पे भी वही इस तरीके से थ्रू आउट जो है वो दीवार पे ये कोटिंग कर दी है। तो कल शाम में ये करी थी, तकरीबन 3 कोट इस पर किए, तो इसका अभी देखते हैं रिजल्ट कि ये सूखी है कि नहीं। अब मैं तो इसका जा नहीं सकता क्योंकि ये मेरा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती पिलाई, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता। मैं वहाँ से जो है ना नीचे से जो है उसको चेक करूँगा हार्डनेस इसकी। बाकी भाई कोटिंग कौन सी इस्तेमाल की है, वो ये वाली कोटिंग इस्तेमाल की है। एक दोस्त ने पहले भी कमेंट्स में पूछा था, तो ये मैंने पहले पिछले साल भी यूज़ की थी, अच्छा रिजल्ट था इसका। तो इसको मैंने कंक्रीट पर तो इस्तेमाल किया, अब ये लकड़ी पर इस्तेमाल किया है तो देखिए लकड़ी पर क्या रिजल्ट आता है, बारिश होगी तो पता चलेगा। तो ये है भाई 1 किलो की पैकिंग है ये, और ये मुझे 750 रुपये की मिली थी और ये हमारे हार्डवेयर से ही मिल गई थी यहाँ पे इलाके की। वैसे अच्छा रिजल्ट है इसका, तो देखेंगे अभी बारिश में क्या इसका रिजल्ट आता है। और थोड़ा सा भाई नीचे से चल के भी चेक करते हैं। डामर यहाँ पे जो डाला था ये इसका रिजल्ट तो सही है, मतलब नीचे यहाँ से पानी नहीं आ रहा था, इट मीन्स कि डामर कंक्रीट पे सही काम करता है, बट लकड़ी पे जो है ना सही इसकी ग्रिप नहीं आई। बाकी मैं दोस्तों यहाँ पे अंदर से क्या काम हुआ वो दिखाता हूँ। पहले भाई ये वाली पट्टी लगी हुई थी, तो ये पतली पट्टी थी, इसमें से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये हमने जब इस पर मटीरियल लगाया तो ये बह रहा था, तो अब उसकी जगह भाई हमने ये देखे भाई 2x2 की जो है वो थ्रू आउट चौड़ी पट्टी लगा दी है। ये दोनों प्लाइयों को यहाँ पे ज्वाइंट हुआ हुआ था, तो ये कल हमने पट्टी लगाई है और इसके ऊपर फिर हमने कोटिंग करी है। ज़रा ऊपर देख लेते हैं भाई यहाँ पे ये कितना हार्ड हुआ है, और ये देखें हाँ भाई ये हार्ड तो हो गया है, पता चल रहा है हार्ड हो गया, तो ये अच्छा है भाई सूख भी गया जल्दी। कल शाम में गया था इसको और अभी तकरीबन सुबह 10:30 बजे का टाइम है तो काफ़ी खुश्क हो गया है। शाम तक देखेंगे अगर कोई बारिश का सीन नहीं हुआ तो मैं सोच रहा हूँ 1 कोट इसको और करवा लूँ ताकि अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो ये भाई वाटर प्रूफिंग हो गई है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसका रिजल्ट चेक करेंगे और फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे भाई कोटिंग का रिजल्ट कैसा है। अच्छा भाई दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं अपने रूम एयर कूलर के प्रोजेक्ट की, जो कि कामयाब नहीं रहा। क्यों कामयाब नहीं रहा, पहले इसका डिज़ाइन आप दोस्तों को दिखा दूँ भाई। ये हमारा रूम एयर कूलर जो हमने बनाया था, और इसका मैं पहले डिज़ाइन दिखाऊँ आपको। ये बेसिकली 6 इंच का PVC पाइप है और इस पर इसकी मैंने बॉडी बनाई है, 6 इंच के इसके कैप है ऊपर नीचे लगे हुए, और ये इसका जो है वो हवा फेंकने वाली जाली है, फ़ैन लगा हुआ है, और ये मैंने 12 वोल्ट 3 एम्पेयर का हाई स्पीड का फ़ैन लगाया है 5.5 इंच का, और इसके भाई एयर थ्रो जो है बहुत अच्छी है। ये तकरीबन 6-7 फीट तक ये भाई बहुत अच्छी हवा फेंक रहा था, तो मैंने इसको इसी वजह से जो है वो मैंने सेलेक्ट किया था, और यही वजह है भाई इसको कामयाब ना बनाने की। बड़ी अजीब बात है कि जो सबसे अच्छी चीज़ है वही इसको कामयाब ना बनाने की वजह बन गई, वो कैसे वो आगे चल के बताता हूँ। तो ये है भाई इसका डिज़ाइन, ये इसकी जो है वो पावर की इनपुट है, ये इसका बटन है, बाकी ये भाई इसकी मैंने जाली बनाई थी और अच्छा डिज़ाइन इसको दिया था। पीछे इसके भाई यहाँ पे अंदर हनीकॉम पैड लगा हुआ है जिसमें से पानी गुजरता है, और जो नॉर्मली जो एयर कूलर में जो डिज़ाइन होता है ना, जो आइटम्स लगे होते हैं वही मैंने इस्तेमाल किए। तो अभी ज़रा इसका ढक्कन हटा दो, अंदर से इसके आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ कैसा है। अब ये है दोस्तों उसका अंदर का डिज़ाइन, और ये इसका जो है वो हनीकॉम पैड है, और वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये है कि भाई ये नीचे जो है वो पंप लगा हुआ है 12 वोल्ट का, यहाँ तक जो है हम इसमें पानी भरेंगे और जो पानी जो है वो सर्कुलेट होगा ये इस पाइप के थ्रू, और ये यहाँ पे जो है ना इसको मैंने शावर दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे जो है वो शावर है, तो पानी जो है वो इस पर गिरेगा हनीकॉम पैड पे, और ये पानी थ्रू आउट जो है वो नीचे तक जाएगा, और ये पंखा जो है ना फिर ये पंखा यहाँ से हवा को खींचेगा और यहाँ से हवा को बाहर फेंकेगा। तो ये हवा बेसिकली यहाँ से आएगी
और यहाँ से आगे पानी में से गुजरते हुए जो है वो हवा जो है वो ठंडी होगी और फिर ठंडी हवा जो है हमें यहाँ पे मिलेगी। तो ये बेसिकली इसका टोटल वर्किंग प्रिंसिपल था। अब जरा बात कर लेते हैं कि भाई ये नाकाम क्यों हुआ। नाकाम होने की वजह ये है कि भाई दोस्तों ये जो इसका डिस्टेंस है ना, ये हनीकॉम पैड से लेके फ़ैन का ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। अब उसमें हो क्या रहा है, जब यहाँ से पानी गिरता है ना, इसमें जब पानी गिरता है तो ये फ़ैन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है। ये हाई स्पीड होने की वजह से ना ये सारा पानी, ये बूंदे बूंदे सब खींच रहा है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये इसको पानी को यहाँ से खींच रहा है ना, तो ये इसकी बॉडी पे जो है ना, यहाँ पे ये बॉडी से टच होता हुआ गुजर रहा है और यहाँ पे इसका जो है वो सर्किट होता है, कम्प्लीट इसका सर्किट होता है। जाहिर सी बात है वो एक दो दफ़ा जो है ये बंद भी हो गया, क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर होता है इसके सर्किट में कि अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा ना, पंखा बंद हो जाएगा। तो मैंने इसको चलाया, पानी इसमें से गुजरा, अंदर को इसने शॉर्ट सर्किट सेंस किया होगा तो इसने फ़ैन को बंद कर दिया। तो क्योंकि फ़ैन बहुत तेज़ हवा खींचता है यहाँ से, तो इस हवाले से जो है वो यहाँ से बूंदे बूंदे भी ये जो है वो खींच रहा था, जिसकी वजह से भाई ये डिज़ाइन फेल हो गया है। और अब इस तरीके से हमें डिज़ाइन इसको करना पड़ेगा कि इसमें फासला हमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा और ये किसी और बॉडी में बनेगा। मैं इसको बेसिकली खूबसूरत भी बनाना चाह रहा था, कॉम्पैक्ट भी बनाना चाह रहा था और चाह रहा था कि भाई एक ऐसा डिज़ाइन बने कि जो थोड़ा इम्प्रेसिव हो, डिफरेंट हो, बट वो बन नहीं पाया और फ़ैन की हाई स्पीड की वजह से जो है वो ये काम नहीं हो पाया। अगर मैं इसको स्पीड कम कर दूँ फिर तो ये पानी को इतना तेज़ी से नहीं खींचेगा, बट वो फिर इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। जो मैं चाह रहा हूँ कि तेज़ हवा जो है फेंके थ्रो करे, तो वो इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। चलिए भाई दोस्तों, इसकी ज़रा एयर थ्रो दिखा दें फ़ैन की कैसी है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास बैटरी मौजूद है, बैटरी से इसको मैं ऑपरेट करूँगा। चल गया फ़ैन, नहीं बटन ऑफ है। चले भाई फ़ैन चल पड़ा है। तो भाई ये है दोस्तों इसका फैन, जो कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे चलता है और यही जो है भाई इसके डिजाइन का जो है ड्रॉबैक बन गया है। तो ये है भाई हमारा फील्ड रूम एयर कूलर का प्रोजेक्ट। भाई इसमें बड़ी मेहनत लगी है और पैसे भी लग गए इसमें ठीक ठाक, तकरीबन 3,500 के करीब जो वो अंदाजन मेरा है कि इसमें कॉस्ट लग गई है अभी तक। तो ये होता है भाई दोस्तों प्रोजेक्ट्स में, अगर कामयाब होते हैं तो नाकाम भी होते हैं और नाकामी से सीखा जाता है। जो नुकसान हुआ है वो मैं कहता हूँ नुकसान नहीं है, वो एक लर्निंग है हमारे लिए कि हमने समझ लें कि 3,000 से 3,500 की हमने जो है वो लर्निंग कर ली कि अब नेक्स्ट डिज़ाइन वो कैसा होगा। तो ये है भाई हमारा प्रोजेक्ट और इसमें आपको सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसा हो, तो उसके हवाले से मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा। मेरा बेसिकली मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हवा को जो है ये मैं गैदर कर सकूँ। और ये पंखा इसकी क्वालिटी ये है कि इसको अगर मैं दूर से अगर मैं इसकी हवा लूँ ना, तो ये पूरी कंप्लीट बॉडी को जो है ना ये कवर करता है। तो ये इस पंखे की क्वालिटी है, तो इस वजह से मैंने फ़ैन यूज़ किया था। तो खैर बहरहाल दोस्तों ये पार्ट ऑफ दी गेम है और प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता रहता है। मैंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, एक एक हफ्ता मैंने उन पर काम किया है, बट इन दी एंड वो फेल हो गए। तो उससे फिर ये कि लर्निंग मिली है और मैंने नेक्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट बनाया था वो अच्छा बना है। तो ये भाई दोस्तों आज की वीडियो, आई होप आप दोस्तों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जाती है अल्लाह हाफ़िज़।